राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस अलौकिक पल का साक्षी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 22 जनवरी के बाद राम मंदिर जाने के लिए कहा है। पर फिर भी अगर आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रसाद फ्री में अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये आसान सा काम करना है। दरअसल सभी राम भक्तों के घर तक राम मंदिर का प्रसाद पहुंचाने का जिम्मा खादी ऑर्गेनिक नाम की एक वेबसाइट ने लिया है। प्रसाद मंगवाने के लिए आपको khadiorganic.com वेबसाइट पर जाना है, तब आपके सामने फ्री प्रसाद का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस डालकर सबमिट कर देना है। प्रसाद तो फ्री में मिलेगा, लेकिन डिलीवरी के लिए आपको 51 रुपए देने होंगे। बस एक हफ्ते में आपके घर पर राम मंदिर का प्रसाद पहुंच जाएगा। और अगर आपको डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने तो एड्रेस के बाद अपने एरिया का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेलेक्ट कीजिए, लेकिन इस केस में आपको डिलीवरी सेंटर पर जाके ही प्रसाद की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी प्रसाद का आनंद मिल सके। पूरे 60 सालों बाद मुंबई में भारत का सबसे लंबा ब्रिज अटल सेतु बनाने का सपना पूरा हो रहा है, लेकिन क्यों इसे पूरा करने में 60 सालों का समय लग गया और क्या है इस ब्रिज के फायदे, चलिए जानते हैं। देखिए, अटल सेतु बनाने की कल्पना सबसे पहले साल 1962 में की गई थी। इसमें दक्षिण मुंबई के शेवरी से लेकर नई मुंबई के चिरले तक एक पुल बनाया जाना था, लेकिन इस ब्रिज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में ही महाराष्ट्र सरकार को 34 साल का समय लग गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्से में पड़ा रहा और आखिरकार साल 2017 में MMRDA ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया और 2018 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। और अब पूरे 5 साल बाद 7,500 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस ब्रिज को बनाया है। 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 21.8 किलोमीटर लंबे ब्रिज की वजह से मुंबई वालों का लगभग 1 घंटे का समय बचेगा और 1 करोड़ लीटर पेट्रोल की भी बचत होगी, जिससे अल्टीमेटली लगभग 26,000 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन भी कम होगा। और इससे मुंबई को ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। क्या मुंबई अटल सेतु के स्वागत के लिए तैयार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, भारत में फ्लाइट्स के टिकट जल्द ही सस्ते होने वाले हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो एयरलाइंस ने यह घोषणा कर दी है कि वो फ्यूल सरचार्ज को पूरी तरह से हटा देगी। 3 महीने पहले जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, तब इंडिगो ने लॉसेस को कवर करने के लिए फ्लाइट टिकट में फ्यूल सरचार्जेस को जोड़ दिया था, जिसकी वजह से फ्लाइट के टिकट 300 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक महंगे हो गए थे। लेकिन फ्यूल सरचार्जेस हटाने के बाद अब फ्लाइट के टिकट्स की कीमतें 1,000 रुपए तक कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट से सफर करने वाले काफी लोगों को फायदा होगा। और जो लोग महंगी टिकट्स की वजह से हवाई सफर अवॉइड करते थे, वो भी अब फ्लाइट से सफर कर पाएंगे। गाइस, आपको एक गुड न्यूज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आखिर वृंदावन के बंदर लोगों का प्रसाद और सामान क्यों छीनते हैं? वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो आपको मंदिर जाते वक्त रास्ते में बंदर मिल जाएंगे, जो आते जाते लोगों का सामान छीनते हैं, जैसे कि हाथ का प्रसाद, चश्मे या फिर पूजा का सामान। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में कोई भी पशु पक्षी साधारण जीव नहीं है, बल्कि वो सब साधु महात्मा है। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर उन्हें वृंदावन में कर्मों के हिसाब से जन्म की प्राप्ति हुई होगी। वृंदावन के बंदरों को साक्षात बांके बिहारी जी का मित्र माना जाता है, जो दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं पर निगाहें रखते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई बांके बिहारी के दरबार में अभिमान और अहंकार लेकर तो नहीं आया। और जो लोग दौलत शोहरत दिखाते हुए ठाट बाठ में बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, उन्हीं का सामान लेकर वो बंदर रफू चक्कर हो जाते हैं। इससे वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब भी भगवान से मिलने आए तो सादे स्वभाव से भक्तिमय होकर आए, और तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। वैसे गाइस, क्या वृंदावन में आपका भी बंदरों ने कभी सामान छीना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में।